हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ। इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन हम सीखने वाले हैं ईसीजी रिकॉर्ड कैसे की जाती है, जो हमारी डिफरेंट ईसीजी लीड्स होती हैं उनकी कलर कोडिंग क्या होती है और उनको बॉडी के कौन कौन सी पोजीशन पर प्लेस किया जाता है। और फाइनली हम सीखेंगे जो हमारी ईसीजी मशीन होती है वो कैसे वर्क करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईसीजी मशीन से मॉनिटरिंग केबल कनेक्टेड होती है, जिसमें 6 चेस्ट लीड और 4 क्लैम्प्स होते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द प्लेसमेंट लोकेशन एंड कलर कोडिंग ऑफ इंडिविजुअल क्लैम्प। जिस क्लैम्प पर ग्रीन कलर का कोड होता है उसको लेफ्ट लेग से अटैच किया जाता है, देन ऑन राइट लेग ब्लैक कलर का क्लैम्प अटैच करते हैं। उसके बाद येलो कलर कोड का क्लैम्प लेफ्ट आर्म से अटैच किया जाता है, एंड फाइनली ऑन राइट आर्म वी अटैच क्लैम्प विद रेड कलर कोड। तो वीडियो में हमने देखा जो हमारे 4 क्लैम्प्स हैं वो लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म से कनेक्ट किए गए हैं। जो हमारे लेफ्ट लेग में क्लैम्प है उसकी कलर कोड क्या है? ग्रीन। तो यहाँ पर ग्रीन कलर कोड है। उसके बाद राइट लेग में कलर कोड है ब्लैक। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट आर्म है वहाँ पर कलर कोड क्या है? येलो। और फाइनली जो राइट आर्म है वहाँ पर कलर कोड है रेड। क्लिनिकल नॉलेज को एक्वायर करने का बेस्ट मेथड है उसको प्रैक्टिकली समझना। एज यू गाइज नो, जो हमारा नीट पीजी का एग्जाम होता है उसको नेक्स्ट रिप्लेस करने वाला है, और ऐसे में डॉक्टर्स की मतलब आपकी क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड, प्रेप्लाडर ने एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी वीडियोज अपलोड की हैं। सो लेट मी शो यू सम ऑफ देयर फीचर्स। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक्चुअली जो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है वो आपसे शेयर किया जा रहा है, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम। और ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल वीडियोज प्रेप्लाडर ने अपलोड किए हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नॉट ओनली क्लिनिकल प्रोसीजर्स, यहाँ पर क्लिनिकल केस डिस्कशन की भी वीडियोज अपलोडेड हैं, फ्रॉम विच यू कैन लर्न हाउ टू अप्रोच पेशेंट, प्रॉपर स्टेप्स ऑफ केस प्रेजेंटेशन। सो टोटल अभी तक 189 वीडियोज अपलोडेड हैं उन केसेस की जो कॉमनली हमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आपको 19 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्यूबैंक मिल जाएगा जिसमें आप कस्टम मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं, और फाइनली आपको प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो आई रिकमेंड आप ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यू यूजर्स के लिए कंटेंट एब्सोल्यूटली फ्री है फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, सो दैट आप कंटेंट को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। क्लैम्प्स को अटैच करने के बाद हम चेस्ट लीड्स प्लेस करेंगे। टोटल 6 चेस्ट लीड्स होती हैं फ्रॉम V1 to V6। सो सबसे पहले देखते हैं प्लेसमेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट चेस्ट लीड्स। लीड 1 को 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट साइड ऑफ स्टर्नम प्लेस किया जाता है, देन 2nd लीड को 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। V3 को हम 2nd और 4th लीड के बीच में प्लेस करेंगे, तो जो हमारी 4th लीड होती है उसको 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, और जो हमारी V5 लीड होती है वो पैरेलल टू V4 होगी एट लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और जो हमारी V6 लीड होगी वो लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन पैरेलल टू V4 होगी। नाउ लेट सी द कलर कोडिंग ऑफ चेस्ट लीड। लीड 1 रेड कलर, लीड 2 येलो, 3rd लीड ग्रीन, 4th लीड ब्राउन, 5th लीड ब्लैक एंड 6th लीड पर्पल। जो हमारी V1 और V2 लीड है उनको हमने प्लेस किया है 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे, देन जो हमारी V3 लीड होती है उसको हमने 2nd और 4th लीड के बीच में प्लेस किया है, तो जो हमारी V4 लीड होती है उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? V4 लीड को हम प्लेस करते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन के लेवल पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 5th लीड है, ये हमारी 5th लीड है, ये आएगी हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के लेवल पर, और जो हमारी ये 6th लीड है ये आती है हमारी मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पर। लीड प्लेसमेंट के बाद हम ईसीजी मशीन को स्विच ऑन करेंगे। ईसीजी मशीन की डिस्प्ले में हमें 12 लीड ईसीजी का पैटर्न दिखेगा।
आपको चेक करना है कि किसी लीड में वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशंस हो रही हैं, इसका मतलब है वो लीड प्रॉपरली अटैच नहीं हुई है। अगर वाइब्रेशंस एब्सेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद जो ईसीजी मशीन है वो वेव पैटर्न को प्रोसेस करेगी, मतलब एनालाइज करेगी, एंड फाइनली आपके पास 12 लीड ईसीजी का प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। तो जब हमारे पास ईसीजी का प्रिंट आउट निकल कर आ जाता है, मेन टास्क होता है उसको रीड करना। और ईसीजी को रीड कैसे करते हैं, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वन लास्ट पॉइंट इज, ये जो जेल यूज़ होता है लीड्स को प्लेस करने से पहले, इसका सिर्फ क्या काम होता है? बेटर कंडक्टिविटी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रिकॉर्ड ईसीजी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।